हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन रात्रि की 8 शुरू हो जाती है। यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, आप कोई भी परीक्षा अगर दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास होती है जिसमें आप टॉप तक सीखते हैं। कॉम्पिटिशन में कुछ इसी तरह के ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं और वो सारे सवाल हम आपके सामने लेकर आते हैं। आप अगर इन्हें पूरा अच्छी तरह से देख लें और समझ लें प्रत्येक क्लास को, तो आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ध्यान से और क्लास को पूरा एंड तक देखना। पहला क्वेश्चन दिया है 37.188 डिवाइड बाई 3.6। इसको हमें अगर सोल्यूशन फाइंड करना है तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे आपको ये बताने हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, आप जल्दी से मुझे इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके बताओ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए, फटाफट करिए भाई। सुरेश गांगुली जी जुड़ चुके हैं, अंकिता जी, पंकज, मोहित और सुधांशु। चलो क्वेश्चन पूरा क्लियर सामने दिख रहा है। देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप सभी को पता है। इसमें का अगर मैं राइट ऑप्शन आपको बताऊं तो 10.33 हो जाएगा समथिंग। देखो कैसे समझो, एक्चुअली ये है ना यार, इसको ऐसे लिखोगे और फिर डिवाइड बाई जो है इस पर गुणा लगाओगे, और गुणा लगाओगे तो ये पलट जाएगा बच्चा। पलट जाएगा मतलब जानते हो, जो 3.6 है ये 1/3.6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो तुमको समझ में आ गया, इतना ठीक है। अब देखो, अब हमें ये कुछ इस तरह के सलूशन मतलब मिल जाएंगे। इसमें से हमें दशमलव को क्या करना, हटाना है। तो क्या करोगे अब तुम, दशमलव को कैसे हटाओगे सोचो। यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है। तो अगर हम बात इसकी करें तो हमें पता है जितने अंक पर दशमलव है उतना जीरो लगा के हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 3 अंक पर है तो 1000 से इसमें गुणा करेंगे और 1000 से भाग करेंगे। वही प्रक्रिया दूसरे वाले में भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर दशमलव सिर्फ 1 अंक पर है तो हम क्या करेंगे भैया, सिर्फ 1 अंक पर डेसिमल है तो इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे। यही होता है दशमलव हटाने का नियम। अब क्या करोगे तुम भाई, देखो समझो, अगर इस तरह से हम मल्टीपल इसमें कर दें तो इसमें से तो दशमलव गायब हो जाएगा, और इसमें कर दें तो इसमें नीचे से दशमलव गायब हो जाएगा। फाइनल में आपको क्या मिलेगा पता है, नीचे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं पहले मुझे ये बताओ। नीचे दिख रहा है, लिख सकता हूँ ना यार, थोड़ा सा चमक रहा है, बहुत गंदा मुझे लग रहा है वो, लेकिन चलो ठीक है, नीचे तो दिख ही रहा है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत मस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। ओके, तो नीचे मैं लिख सकता हूँ 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो इसका सब मतलब खत्म हो जाएगा, 37.188 आएगा और ये 1000 बचेगा। ये तो आपको पता है चूंकि कंपटीशन की क्लास है, बेसिक तो आप सभी जानते हो। यहाँ 3 अंक पे ये 3 जीरो है, इधर 3 अंक पे दशमलव है तो भैया ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो उसी तरह से इसमें नीचे से दशमलव खत्म हो जाएगा, ये इतना बचेगा। ठीक है, तुम लोग को इतना पता है ना भाई, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई हैरानी तो बता दो। चलो जल्दी करो, हो गया ना इतना। अब क्या करोगे आप पता है आपको, देखो सिंपल है, अब सिंपल है और वेरी सिंपल है। देखो आप तुम एक काम कर सकते हो, 36 का इसमें गुणा कर लो, 36 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 36000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना यार, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम आराम से ये हो जाएगा। फाइनल में मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे साइड में देख लो आप लोग, तो इस तरह से ये 37.188 हो जाएगा। आप लोग कोई आंसर बताएगा भाई, संध्या जी बताइए, जवाब दीजिए कितना आएगा, सभी बच्चे जवाब दो फटाफट, जल्दी करो। और इसका इसमें गुणा करोगे बच्चा, भाई ये 10 है ना, 10 इसमें बढ़ जाएगा, ये 36000 हो जाएगा। यानी फाइनल में हम बोले तो ये इतना बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, वेरी सिंपल है। आप 10 से 10 हटा सकते हो, ये 3600 है, ये 37000 कितना है, 37188 है, वो 3600 है भाई, 3600 दहम 36000 होगा। आप भाग दे के देख लो, इनको फटाफट आप सिंपलीफाई करोगे, 10.33 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आता है। संध्या जी आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, आप एक बार चेक तो करो ना।
आप एक बार चेक तो करो ना। देखो कुछ बच्चे जो बेसिक नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ पे प्रूव कर दूँ। इधर देखो बच्चा, ये 37188 है ना, ये 3600 है। इसको जब आप भाग करोगे तो ये वन टाइम जाएगा। 3600 है, यहाँ से वन आएगा, ये वन आएगा, 8 आएगा, 118 आएगा। अब ऊपर से 8 उतार लोगे तो ये 1118 आ गया। अब क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे? देखो पहले गलत कहाँ से होता समझो। ये तो घटाने पे इतना आया था ना, 118 आया था घटाने पे ना, आया था ना। अब इसमें 3600 का भाग तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, ऊपर से 8 उतार लोगे ना। लेकिन एक बार तो आपने घटाया है, घटाने के बाद ये रूल होता है आपको भाग एक बार ले जाना जरूरी है। अगर आप घटा भी रहे हो फिर भाग नहीं ले जा रहे हो, दोबारा ऊपर से कोई गिनती भी उतार ले रहे हो, तो आप एक सुनना बढ़ाओगे। सुनना क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि अब इसका भाग इसमें 0 बार तो जाएगा, ये 0 बार जाएगा तो 118 तो आएगा ना यार, ये ठीक है। हाँ अब अगर भाग नहीं जा रहा तो आप ऊपर से नंबर उतार सकते हो। अब यहाँ से आप नंबर उतार सकते हो और फिर आप दशमलव बढ़ा के यहाँ पे सुनना भी ले सकते हो। और फिर आपका ये 3 बार जाएगा तो 3 छंग देखो लिख लो, 0 0 3 छंग 18 के 88 ले 3 3 9 1 10, तो बच्चा ये हो जाएगा 10800। फिर आप सबट्रैक कर लोगे इसको, फाइनल में ये 10.33 ही जाएगा। है ना कितना आसान है, हाँ है ना कितना इजी। संध्या जी बिल्कुल आपका राइट है, करेक्ट है। चलो तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत गंदा लग रहा है यार, चमकता है तो मुझे बहुत गंदा लगता है जान लो, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है ना। चलो चमक रहा है, मैं इसको छुपा दूंगा, अभी भी दिख रहा है का। चलो अगले सवाल पे बढ़े हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। चलो अगले सवाल पे देखते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके इसको मिटा दें, हो गया। आप लोग ये बताओ, एकदम मस्त दिख रहा है ना, कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना। चलो अगले सवाल पे पढ़ो, इसको मिटाओ फटाफट, मिटाओ ऑप्शन, मिटाओ क्वेश्चन, मिटाओ और फिर अगले सवाल पे आगे बढ़ो। देखो क्या कहता है अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आपका इसी में से है, इसी टाइप का है। शिवानी यादव जी बताइए, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है का? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। क्वेश्चन अगला लिखे, मैं क्वेश्चन ऊपर लिखूंगा, सलूशन जो भाई है उसको रहने दो, ऐसे बाद में मिटाया जाएगा। चलो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लिखना पड़ता है, यही तो लफड़ा है यार, यही तो कमी है ना अभी क्लास में। लिखो 547, 547 पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, जो यूपी टेट सीटेट वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है का मान यक्ष है, कह रहा है इसका मान क्या है, यक्ष है, समझो। तो इसमें से एक संख्या दी गई, उसका मान पूछ रहा है। अब वो कौन सी संख्या दी गई उसको देख लो भाई तुम लोग। चलो देखो क्या दिया गया है, 547527 है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपके सामने पूरा फुल क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है? देखो ये दिया गया है, कह रहा है तो 547527 अपान 82 का मान ज्ञात कीजिए। चलो कोई बताए, यानी दशमलव हटा करके पूछ रहा है, मान बताओ। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है। ऑप्शन अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप लोग कर ले जाओगे। ऑप्शन दे दूं क्या मैं, इधर साइड तो मैं इरेज कर सकता हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताओ, गेस करो। चलो देखो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास जो है वो इस समय रात 9 बजे से चल रही थी ना अभी तक। अब सुबह 5 बजे या दिन में कभी कभी वीडियो आ जाता है, कभी भी आपको मिल जाता बेसिक। कोई बताएगा भाई, प्रियंका साहू आप बताइए, संध्या सिंह, मोहित,
अनुभव सभी जवाब दो, मैं कमेंट सबका देख रहा हूँ बच्चा यहाँ पे। हाँ चलो, इसमें क्या कह रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू दी गई है। कहाँ दी गई है देखो, ध्यान से समझो, हाँ ध्यान से समझो, ये x के बराबर दिया गया है। आप इसे हल करोगे, 10/x आएगा, देखो 547.527/0.0082 इक्वल एक्स। क्यों? क्योंकि ये दिया गया है, इसको तुम कर सकते हो ऐसा। उसके बाद क्या करोगे आप, इसमें क्रॉस मल्टीपल है तो करोगे और क्या करोगे, है ना, करके देखो। चलो करके देखो और फिर मुझे बताओ। हमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको 547.527/0.0 जो है और 82 इसको बराबर कर सकते हैं, किसके, दूसरे वाले के बराबर कर सकते हैं, दशमलव अगर हटा दे तो ना। देखो क्या कर सकते हैं, 0.0082 इसको हम बराबर कर सकते हैं किसके, अरे यार बिना दशमलव लगाने वाला लिखो भाई साहब, ये इसको आप दशमलव वाले के बराबर कर सकते हो। कब? जब हम इसमें से दशमलव हटा सके तब। देखो दशमलव कब हटेगा, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो जो ध्यान देने वाली है, यहाँ पे तीन अंक पर दशमलव है, 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अंक पे दशमलव है। क्या है भैया, एक जगह 4 अंक पे दशमलव है, एक जगह सिर्फ 3 अंक पे दशमलव है। तो अगर हम इसको फाइनल करें, फाइनल करें तो क्या होगा पता है आपको, चलो बताओ जल्दी करो फटाफट, कितना आएगा, x अपान 10 आएगा या फिर 1/x आएगा, कितना आएगा, मैं सामने से हट गया एकदम, क्लियर है, चलो जल्दी से बता दो फटाफट, बहुत जल्दी करो सभी बच्चे, करो जल्दी करो फटाफट, ठीक है ना, हो जाएगा। देखो हाँ, डायरेक्ट रूप में ऐसे समझ लो कि ये 3 अंक पे दशमलव है, 4 अंक पे है। अगर सिर्फ 1 पे दशमलव होता तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर 3 अंक से 0 लगा के मतलब 1000 से मल्टीपल करते, नीचे भी 1000 से करते, तो ऊपर का दशमलव हट जाता, तो ऊपर का तो 0 यूज हो जाता लेकिन नीचे का तो कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हो, है ना। तो आप एक काम करो, जितने अंक पर जिसमें दशमलव है उसके अपोजिट से मल्टीपल कर दो, ठीक है, चलो कर दो फटाफट कर दो जल्दी करो। हाँ यानी इसको तुम क्या कर सकते हो, इसके बराबर कर सकते हो, इसमें 3 अंक पर दशमलव है तो 1000 से, इसमें 4 अंक पर है तो 10000 से इनको मल्टीपल कर दो, मल्टीपल तुम कर सकते हो बड़े प्यार से, ये सब दशमलव हट जाएंगे, फिर अब दशमलव हट जाएंगे तो कुछ बचा ही नहीं, जल्दी करो, चलो जल्दी करो भाई, हो गया। देखो आप क्या करोगे, हम सबको पता है यहाँ से 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कट जाएंगे बच्चा, सिर्फ 1 बचेगा जो कि क्या है, 0 बचेगा, 1 जीरो बचेगा ना, 1 जीरो बचेगा, तो क्या करोगे तुम लोग भाई, देखो सिंपल सा है, इसका मल्टीपल कर लोगे, x अपान 10 आएगा, कैसे, देखो तुम कहोगे भैया x अपान 10 काहे को आएगा, x अपान 10 काहे को आएगा, ये सब इसके बराबर हुआ था ना, तो फाइनल में ये x भी तो है ना, मैंने लिखा नहीं था चूंकि ये जो है x के बराबर है और इसको मैंने इसके बराबर कर दिया, तो फिर ये x के बराबर भी तो है, बोलो है कि नहीं भाई, 3 पद है, अगर 2 एक दूसरे के बराबर है तो तीसरा भी तो बराबर होगा ना। इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ से आप लोग x का वैल्यू फाइंड करोगे, x का वैल्यू फाइंड करो, चलो इसका इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो आपका, आप ऐसे जानते हो कि नहीं, देखो जैसे अगर मैं तुमसे 5/2 गुणा x बोलूं और बराबर का अगर कोई नंबर हो, मतलब ये बराबर में x हो, तो बताओ क्या निकालोगे तुम, बोलो x का मान क्या निकालोगे अगर ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो तो x का मान क्या निकालोगे बताओ, सोचो अगर 5/2 इक्वल x दिया हो तो x की वैल्यू क्या फाइंड करोगे, अब तुम लोग कहोगे तो वही दिया है जो वही निकालेंगे, हाँ वही निकालोगे, बिल्कुल राइट, चलो ठीक है। हमें निकालना क्या था लेकिन, अरे यार बिल्कुल सिंपल था भाई साहब,
हमें क्या निकालना था, कह रहा था हमें इसका मान निकालना है, बाकी हल नहीं करना ज्यादा ना, तो इसके बराबर क्या आएगा कंप्लीटली फाइनल में करने के बाद, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो यक्स अपान टेन आएगा, कितना आएगा यक्स अपान टेन, देखो ये टेन बचा है ना और ये एक्स बचा है, फाइनल में इसके बराबर क्या हो जाएगा एक्स अपान टेन। नहीं समझ में आएगा तो बताना बिल्कुल, और अगर आपको बेसिक आता तभी ये समझ में आएगा, और ना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सामने से हट जाता हूँ चूंकि मेरे पास ज्यादा जगह नहीं, इधर साइड में खड़ा होता हूँ तो ये छिप जाता है, तो इसलिए मैं सामने से आपको कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पूरा दिखाऊं, जिससे आप लोग क्या कर सको, लिख सको और नोट कर सको। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो बता दो, चलो जल्दी करो, अगर कोई डाउट है तो बता दो मुझे। इसमें वाला पांटेन से अगर तुम गुणा करोगे तो एक्स पांटेन फाइनल में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, बाकी ये सब कट पिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे चूंकि एक दूसरे के बराबर हैं। तो कुल मिलाकर के तुम यही जान लो कि क्या आएगा, ये इसके बराबर आएगा, सॉल्व करके देख लेना, नहीं अगर आएगा तो बताना। ठीक है, तो दोस्तों आपकी ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, आपने दो क्वेश्चन देखे, तीन क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताना, और मैं सामने आ जाता हूँ तो आप लोग देख नहीं पाते हो ना, छुप जाता है क्योंकि इधर तो जगह नहीं, मैं खड़ा हो जाऊँ, इधर मैं खड़ा होता हूँ तो छुप जाता है, इसलिए मैं सामने से हट जाता हूँ एकदम से, तब बेहतर रहता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कुछ भी अगर शिकायत है तो आप बता दो। ठीक है, चलो तो रात के 9 बजे से लाइव होगी बेसिक जो है क्लास, उसे जरूर देखना पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, एंड इस क्लास को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, शेयर जरूर करना क्लास। हाँ।